मध्यांचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबर। पथरिया विधायक रामबाई सिंह परिहार एवं दमोह विधायक राहुल सिंह द्वारा ग्रामीण किसानों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर ग्राम बरबटी स्थित पनामा कंपनी द्वारा संचालित साइलो सेंटर का किया निरीक्षण, जिसमें गेहूं की खरीदी हेतु की जा रही तुलाई में भारी लापरवाही सामने आई। किसानों से गेहूं की जाँच हेतु लिए जा रहे सैंपल में भी पाई गई अनियमितता, जिसको संज्ञान में लेते हुए विधायक रामबाई सिंह एवं विधायक राहुल सिंह द्वारा कलेक्टर को सूचित किया गया, जिसके उपरांत जिला कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। सभी किसानों को आश्वासन देकर व्यवस्थित तुलाई प्रारंभ की गई। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मध्यांचल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। बीस हजार मैट्रिक टन मतलब दो वेयरहाउस भर जाएंगे तो खुद है जो पैसा पाँच किलो तुमने पचास ही किलो को हमला करो भाई। आज नेता मंत्री सबके घर है तो दो दो पाँच पाँच लाख रुपया तुम दिया सायलों के चक्कर में, फिर नहीं किसानों के लाने मूर्ख बना के दिया जेने बुलाओ तो पनामा कंपनी ते आओ तो पहुंचे हाँ जे ले उन्हें बुलाओ तो जे ले इन्हें बुलाओ तो जे ले। सैंपल के लाने कितने किलो लिए थे अपन? किसान को सैंपल 3 किलो लिए थे हमने, तो सैंपल पानी नहीं लेते। हां हां भाई भरी बोरी ये घनी दबा चोर मोसेरे भाई ऐसे किसान है याने 17-18 रुपया हर किसान घाटो का रुपया मतलब निकल कॉलेज से फायदा नहीं है मतलब नहीं। एक नानक सर पे सर कांटो करवा के भाई खाली तुरंत करो भाई पता चल जाए कितो डिफरेंस है करी को हां ए खाली भर को दिन पे चढ़ाए तो भाई पता चल जाए कि नानक सर में कांटा कोई नहीं है क्या जब कोनो दो ही नानक सर में से कोनो करा नाप कर दे नाप तोलवा लियो मिस्टेक क्यों है? अरे वो थोड़ी सी डस्ट भरी थी यहाँ पे डस्ट जो है डस्ट कितनी भर गई रहता है उसके बाद चढ़ाए बगन तो कोई डस्ट नहीं डस्ट कितनी भर गई फिर भी कम है नहीं 10-15 किलो को अंतर फिर भी पड़ रहा फिर भी अब कम है डस्ट भी भरी तब भी कम देख पाया। पाँच दिन हो गए। एक बात बताओ आप कहाँ के हो? दमोह के हो तो इनके मीतिया हो कि दमोह के किसानों की मीतिया? किसानों के होते अगर हेते तो तुम जावे लो पहली बात ओपन नहीं करते कि झगड़ाबड़ी कर रहे। मैडम ये क्या है वो डस्ट जो गाड़ियों से उसमें आ रही है उसके कारण है उसमें डस्ट कितने की हुई है कितने किलो हो जाए डस्ट बताओ मैं अगर प्रॉपर मूव नहीं किया तो वो डस्ट का ये था इसकी एफआईआर दर्ज कर रहा हूं तो 460 वजन धर और ट्रैक्टर धर तो 3090 का है बताओ फिर चार नाप तोलवारे सही होगा फर्जिया हो 5 किलो वाली बात नहीं है ये तो फर्जिया हो कि किसानों के साथ गलत कर रहे हो जो कर रहे हो संग में तुम दमो के पूरे जिले भरे के किसानों को बेवकूफ बना रहे हो। शर्म नहीं आती है कि बेचारे 8-8-15 दिन से पड़े हैं भूखे प्यासे और बाकी को तुम चूना लगा रहे हो उनके लाने? 4 दिन से पड़े हैं हम लोग नहाओ तक नहीं हम रहे 4 दिन से पड़े हैं नहाओ ये जिनके जो किसान जो खड़े जी झूठी बताए हैं झूठी बताए हैं दीदी के कारण। तो आप ये बताओ कि आज ये कम से कम 20,000 हेक्टेयर कितना मैट्रिक टन तुलाई हो चुकी है लगभग दो वेयर हाउस भर जाएंगे तो इतना पैसा इनने कम से कम जनता किसानों के साथ कितना बड़ा अच्छा लिया। कलेक्टर साहब को मैंने इसकी शिकायत की कोई रेफरेंस नहीं मिला उनकी तरफ से कोई भी संतुष्टिजनक उनने भी बात नहीं कही। उनने बोला मैं ऊपर बात करता हूँ। आप ये बताइए कि भाई किसान गरीब किसान हैं जो दो दो तीन तीन हजार में ट्रैक्टर लेके आए हैं किराए करके और चार चार दिन से पड़े हैं ऐसी स्थिति है किसानों की और जो इधर जो मैनेजर हैं वो बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। कलेक्टर साहब से चर्चा की है अब इस विषय पे मैं ऊपर भी जाकर चर्चा करूंगी। स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी से हमारे प्रदेश के मुखिया से बात करूंगी कि आप किसानों के हितैषी हैं आप खुद बोलते हैं तो किसानों के साथ न्याय करिए। ये स्थिति है और मैं सभी किसान भाइयों से बोल चुकी हूँ कि अब अगर ऐसी गड़बड़ी आप लोगों को नजर आई तो तुलाई बंद करके सब धरना पर बैठ जाए क्योंकि एक हक की लड़ाई है। किसान खून पसीने की कमाई है किसान की और ये लोग बेईमानी करके बहुत बड़ी मात्रा में खा रहे हैं और उसमें पूरे अधिकारी टोटल मिले हुए हैं एक भी अधिकारी नहीं है जो इसे इस भ्रष्टाचार में शामिल ला हो तो इन पे सब पे कार्रवाई होनी चाहिए।
और किसान भाइयों से निवेदन है कि अपने हक के लिए लड़ोगे नहीं तो ऐसे आप लोगों को बेवकूफ हर कोई बनाता रहेगा। तो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि कम से कम अपने हक के लिए तो लड़ोगे।